नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही आज 3 अक्टूबर 2019 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई, एक नया विज्ञापन जारी किया गया, जिसके माध्यम से आपके बहुत से पद इसमें आपके भरे जाने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी जो ये आपके भरी जाएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे हम HPPSC कहते हैं। तो कौन सी पोस्ट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी हम आपको देंगे। पूरा आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगर जानकारी पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है 3 अक्टूबर 2019 और ये नई नोटिफिकेशन आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019, लास्ट डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2019, वेबसाइट ये, परंतु एक बार आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। देखिएगा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, पहला तो सीरियल नंबर 1 आप इसको देख लीजिएगा, या आइटम नंबर 1 आपको लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ ये 3 से 4 जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी इसमें, ये मेडिकल एजुकेशन में ही, ये IGMC शिमला के लिए, तो इसको आप देख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन में ये पोस्ट आपकी भरी जाने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, ये आपको बताया हुआ है, ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। न्यूरोलॉजी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। उसके बाद रेडियोलॉजी है, ये वैकेंसी जो इसमें आपकी भरी जाने वाली है। आप में से कोई एलिजिबल है, जिनको लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं इन वैकेंसी के लिए, ये जो जानकारी है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको इसमें बताया हुआ है। जो आपको इसमें मिले 37,400 से लेकर आपकी 67,000 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी, प्लस 8,900 ग्रेड पे आपको इसमें दी जाएगी। एज जो 45 से आप नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ इन वैकेंसी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और ये जो है इसको भी आप नोट कर लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइटम नंबर 2 जो ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल प्रदेश द्वारा, ये जो 2 पद इसमें ये भरे जाएंगे आपके। नेम ऑफ द पोस्ट है डेप्यूटी गवर्नमेंट एनालिटिक्स क्लास 2, गेस्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए 2 पद जो इसमें आपके भरे जाएंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो इन पदों के लिए अगर आप एलिजिबल है तो क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जैसे ये ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। ये नोट आपको बताया हुआ था, कैंडिडेट हुआ है अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2018, डेट 8 दिसंबर 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नमेंट एनालिटिक्स, नीड नॉट टू अप्लाई इन। तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर लिया है, ये जो वैकेंसी हमने आपको भी बताई, उनके लिए वो दोबारा इसके लिए आवेदन ना करें, क्योंकि अगर उस टाइम वैकेंसी इसमें कम निकली थी तो अब इसमें जो ये वैकेंसी ऐड कर दी जाएगी, और उसके बाद फिर सभी के लिए इसका एक साथ ही सब कुछ होगा। उसके बाद जो सीरियल नंबर 1 आइटम नंबर 3 है, ये आयुर्वेदा की वैकेंसी भरी जाएंगी। प्रिंसिपल की पोस्ट है ये आपकी भरी जाएंगी, जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपको मांगा गया है, तो वो आप जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 15 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एज 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आइटम नंबर 4 है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल प्रदेश। नेम ऑफ द पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर, ये आपके इसमें भरी जाएंगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी 8, ये 8 पद जो इसमें आपके भरे जाने वाले हैं, ये आपको बताया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन HP कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये क्लास 2 गेस्टेड ये पोस्ट आपकी भरी जाने वाली। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, ये आपको इसमें बताए हुए केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री फार्मेस्ट, ये सब कुछ आपको बताया हुआ, तो इनको आप नोट क्वालिफिकेशन को जरूर कर लेना। और अगर आप में से कोई एलिजिबल है तो आप HPPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 45 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, कुछ इसमें चेंजिंग हुई है, जैसे ये वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है पहले आपको जैसे जिस तरह से ये ओपन होती थी, अब इसका जो वर्जन है या इसको अपडेट किया गया है, तो अब जो वेबसाइट है ये नए तरीके से ओपन हो रही है। और हो सकता है आपको फ़ोन से आवेदन, अगर आप एंड्रॉयड से कर रहे हैं
हो सकता है आपके लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ध्यान से आप इस फॉर्म को भरेगा। सबसे पहले आप हमेशा की तरह रजिस्ट्रेशन करें इस वेबसाइट पर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अप्लाई या लॉगिन पर आप क्लिक करें, लॉगिन आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे लॉगिन आप करोगे तो आपको अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो इसमें आपको दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी न्यूज़ है हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए जो आपकी फ़ीस है वो 400 जनरल, 100 रुपये रिज़र्व कैटेगरी और एक्स सर्विस मैन और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनको इसमें कोई भी फीस नहीं होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बड़ी नोटिफिकेशन है जो आज जारी की गई है। तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये टोल फ्री नंबर आपको बताए हुए शिमला कैब 7726297738, इस पर कॉल करके आप 10 से शाम के 5 बजे तक आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है आप।